अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक चंगे चंगे होंगे अपने अपने घरों में, और रमज़ान सबका बहुत खैर खैरियत से गुजर रहा होगा। अब तो कुछ डेज़ का, बल्कि एक दो दिन का ही मेहमान रह गया है, तो मैंने कहा मैं हनफा की थोड़ी सी तैयारियाँ भी आप लोगों को दिखा दूँ। तो जी असी इस दफ़ा रेडीमेड नुकीता है परहेज़, तो आप ही कुछ ना कुछ करके ना जुगाड़ जुगुड़ ला के तो हनफा के कपड़े खुद ही स्टिच कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम हनफा की ईद की तैयारियाँ कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ड्रेस नंबर 1। ये जी मेरी जुठानी ने मुझे कट करके दिया था और सिलाई फिर मैंने किया था। यहाँ पे हमने तीन तीन प्लेट्स डाले हैं साइड्स पे, और ये दरमियान में पट्टी है, और ये हैं जी इसकी 2 फ्रिल्स, और यहाँ पर हमने फिर ये लेस लगा दिया। अब यहाँ पर आने हैं बटन्स, वो हम लगाएंगे। ये ब्लैक बटन्स में लेके आई थी, ये वाले देख लें। फोर आएंगे तो ये हो जाएगा कंप्लीट। ये देख, ये इसकी कंप्लीट लुक आएगी। सब कमेंट करके लाजमी बताना कैसा लगा। मैंने स्टिच किया है फर्स्ट टाइम अपनी बेटी के लिए, पुठियाँ सीधियाँ सिलाइयाँ मुझे पता है लगी हुई होंगी, बट मैंने ट्राई की है। महंगाई बहुत है, दर्जना बहुत पैसे ले लेती हैं भाई, मैं क्या खुद ही सी लो। ये भी किसी के ड्रेस में से पीसेस बचे थे तो वो हमने जुगाड़ लगा के तो इसकी कर लिया है डिज़ाइनिंग। तो बाज़ार से कुछ नहीं परचेज़ किया, सिर्फ ये लेस लेके आए थे और ले लिए हैं बटन्स, बस इतना सा खर्चा किया है। बाकी ये पीसेस घर में ही थे तो इनको जोड़ के तो भाभी ने कट किया और मैंने किया स्टिच, और हमने ये तैयार कर लिया। चलें जी अब जाते हैं ड्रेस नंबर 2 की तरफ। ये है हनफा का सेकंड ड्रेस, ये बहुत ही प्यारा है, तो इस पे भी ना काम कर रही हूँ मैं। ये मैंने लेस लगाई थी, ये भी लेस है, और ये मैंने तिल्ले के साथ ना थोड़ा सा इसको सजाया है। तो अभी ये बाजू भी रहता है, यहाँ पर भी हमने कुछ लगाना है, घेरे पर भी कुछ लगाएंगे, और बैक पे भी, यहाँ पे भी कुछ लगेगा इधर, और साथ है जी इसका जामा। ये शलवार बनाई है ये वाली, और यहाँ पे भी इसके भी लेसेस वगैरह लगेंगी, तो फिर ये ना थोड़ा चमचम वाला हो जाएगा। और जब हनफा ईद वाले दिन पहनेंगी फिर आपको दिखाएंगी कि कैसा लगता है इसका ये ड्रेस। ये ना हमने थोड़ा जैकेट स्टाइल देने की इसको ट्राई की है, तो जैकेट स्टाइल में ये आ रहा है। ये मामा ने कट किया था और स्टिच थोड़ा मैंने किया, थोड़ा मेरी कज़न ने किया है। तो मिलजुल के हमने ना घर में ही हनफा के जुगाड़ लगा लिए, और कपड़ा बचा था हनफा की खाला के सूट में से, तो वो हमने करके तो हनफा का ड्रेस प्रिटी सा तैयार कर लेना है इंशाल्लाह सस्ते विच। मैंने कहा मैं आप लोगों को लेसेस भी दिखा दूं जो हमने इस पे लगाई हैं। ये वाली लेस ली थी, ये बहुत प्यारी शीशे वाली लेस है, ये देख। और फिर इसकी साइडों पे ना मैंने ये तिल्ले के साथ, ये वाले तिल्ले के साथ, तो मैंने ना ये जंजीरी टांके के साथ इस पे लगाया है, तो ये थोड़ी कढ़ाई की लुक दे रहा है। तो अगर किसी को ये आइडिया अच्छा लगा हो तो डू टेल मी। और ये वाली जो लेस है, ये वाली ये मैंने कट की है, ये थोड़ी चौड़ी वाली लेस है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरे पास ये वाली लेस थी, तो इसकी ना 1-1 लाइन कट करके तो मैंने इस तरह से ना कट कर ली है। तो ये यहाँ पे इस बाजू पे लगी है, अब ये इधर भी लगेगी, तो कुछ घेरे पे लगाएंगे कट करके, या फिर ये वाली लगाएंगे, ये देखती हूँ। कुछ ट्राउज़र पर भी आएगी अभी। और ये जो है लटकन, ये आप लोगों को दिखाती हूँ, इनको भी हमने कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है अभी। ये रहा, बहुत प्यारे हैं, ऐसे लगेंगे। ईयर रिंग्स ही लग रहे हैं। ये कैमरा फोकस करो, ये रहा। तो ये भी हमने अभी इसको भी एडजस्ट करना है। ओके जी, ये तो था हनफा के ड्रेसेस का आज का व्लॉग। मैंने कहा मैं बता दूं, ऐसी तैयारियां कर रहे हैं अपनी बेटी के घर में ही,
तो हनफा की बैंगल्स भी आ चुकी हैं। तो कंप्लीट जब हनफा ईद वाले दिन तैयार होगी फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हनफा ने बैंगल्स और शूज़ साथ कौन से लिए हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, तो अल्लाह ताला हम सब को जहन्नम की आग से निजात का अशरा बोलते हैं इसको, तो हम सब को जहन्नम की आग से बचाएँ, हम सब की मगफरत कर दें। आमीन सुमामीन। तो आप लोगों ने एक काम करना नहीं भूलना, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, चंगे चंगे कमेंट भी कर दिया करो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।